इस फिल्म में बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत गाया हूँ, और वो अपनी इच्छा से, और वो भी महेश मांजरेकर जी को बोल के कि मैं, जैसे कहते ना, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ. इट वॉज रियली वेरी स्पिरिचुअल फॉर मी टू डू सर्व एज एन आर्टिस्ट टूवर्ड्स टू दिस जीनियस फिल्म. और ये बहुत मराठी या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो, जब तक पैशन नहीं है तो उसका आउटपुट नहीं आएगा. तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन. एक्चुअली नहीं, मैं इस फिल्म का एक दर्शक हूँ, और नाना का मैं वन ऑफ अ बिगेस्ट फैन हूँ. और मुझे याद है कि मैंने 3-4 दिन पहले उनको जब मैसेज किया तो सो स्वीट ऑफ हिम, ही कॉल्ड बैक. मेरे पास शब्द नहीं, मैं जमा कर पा रहा था कि मैं क्या, बहुत मतलब क्या कहूँ. उनको मैंने साफ यही कहा कि सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, हम आपके अंकुश से ही फैन हैं. ही इज़ अ रियली इंटरनेशनल एक्टर. ही हैज़ गॉट ट्रमेंडस पैशन अबाउट एक्टिंग. ही इज़ अ जीनियस. एंड महेश की जो डायरेक्शन और वो जो रूट मेंटेन किया है ना, दैट इज रियली वेरी गुड. मैं नहीं, नहीं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ कि मैंने एक फिल्म थी हम, अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें उन्होंने 15 से 20 मिनट अकेले ऑन स्क्रीन पे लोगों को बांध के रखा था. उसके बाद मैंने नाना को देखा है, पूरा क्लाइमेक्स, हाफ एन आवर सिर्फ अकेला शख्स बोल रहा है और सांस थम के लोगों ने सुना है. वी प्राउड ऑफ हिम, द एंटायर नेशन प्राउड ऑफ हिम. एंड इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी, वेरी वेल डायरेक्शन, एवरीथिंग, उसका आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस, एंड सबकी परफॉर्मेंस इज अ ब्रिलियंट. अभी परसों ही रिलीज हुई है फिल्म लॉर्ड ऑफ शिगनापुर, उसमें उन्होंने गाना भी पिक्चराइज किया था. तो मराठी फिल्मों से जुड़ना मेरा सौभाग्य है, मुझे इस बात की खुशी है कि वो मुझे कंसीडर करते हैं. मैंने महेश की फिल्म से, मेरा मराठी फिल्मों में लॉन्चिंग हुआ था, मैं शिवाजी राव भोसले बोल तो हे राजे गाना मैंने गाया था, उन्होंने गवाया था. सो आई फील प्राउड व्हेन दे कंसीडर मी टू सिंग फॉर मराठी फिल्म, एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. अभी नहीं, अभी ये पूरा नो, अभी राइट है. थैंक यू वेरी मच. ये उम्मीद आपने शुरू से लगा रखी थी, ये आपने एंटीसिपेट किया हुआ था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, पिक्चर ठीक जाएगी ये तो अनुमान था. हमने पिक्चर देखी थी जब बन रही थी, तो वो एक अंदाज था, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं इन द प्रोसेस में, एडिट में देखते हैं, साउंड के टाइम देखते हैं, तो एक रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था. बट ये जो सक्सेस मिला, ये तो फिनोमिनल सक्सेस, ये हमारे जहन के बाहर का सक्सेस था. ऑडियंस ने सिर्फ ये पिक्चर अच्छी लगी ये नहीं बोला, छोटे छोटे गांव में से ऑडियंस ने हमारे नंबर ढूंढ के रोते रोते फ़ोन किया कि इट इज़ अ फिनोमिनल फिल्म. ये बात यहाँ बहुत गर्व से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी शोज़ हुए, एक भी शो ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला पिक्चर को. और सिर्फ मराठी लोगों ने नहीं देखा, ये सबसे पॉजिटिव बात है. ये गुजराती लोगों ने देखा है पिक्चर, ये साउथ इंडियन लोगों ने देखा है पिक्चर, नॉर्थ इंडियन लोगों ने देखा पिक्चर. सो द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज आई थिंक कलेक्टिवली, तो मेरे को यू नो आई ऑलवेज से कि सिनेमा शुड हैव नो लैंग्वेज, तो ये पिक्चर ने प्रूव किया है कि सिनेमा शुड हैव नो लैंग्वेज. कोई भी फिल्म हम एंजॉय कर सकते हैं. और इट इज फर्स्ट वीक में इट हैड नियरली एज बिग अ रिलीज एज एनी बिग ब्लॉकबस्टर हिंदी सिनेमा. वो तो खैर ठीक है, साढ़े मोर देन 10,600 शोज थे फर्स्ट वीक में, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी, दिल्ली में रिलीज हुई थी, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, सब जगह, हैदराबाद, कैलकटा, बेंगलोर. लेकिन सेकेंड वीक में 396 थिएटर्स में और 9,600 शोज में, तो
So it is phenomenal. And there are कि एक दिस वन हिंदी सिनेमा जब भी लगता है ना तो मराठी सिनेमे डरते हैं कि यार ये लग रहा है क्या होगा. बट देयर वाज अ थिएटर इन थाना जहाँ पे नवीन न्यू रिलीज हुई थी फिल्म वजीर, तो उसके चार शो थे और उसी थिएटर में नटसम्राट के 13 शो थे. और ऐसे नहीं इसलिए थे क्योंकि लोग आ रहे थे, तो इट इज़ अ फिनोमिनल अचीवमेंट. तो अभी जो हम लोग काफ़ी बीच में रोने की हमको थिएटर वाले देते नहीं, तो ऐसे नहीं है. अगर एक पिक्चर चली तो थिएटर वालों को क्या जाता है, उन लोग 100% देंगे. एंड डेफिनेटली एक नया डोर्स खुले आज थिएटर में लोग आएंगे 100%. एक खूप आणि सगळ्या स्तरातले लोक आले, म्हणजे एक सेक्शन ऑफ एन ऑडियन्स नाही आलं. तर नॉर्मली आपण काय म्हणतो की एक सिनेमा आपण गेला कमर्शियल, ह्या सेक्शन ऑफ एन ऑडियन्स आहे, ह्यांना सॉन्ग अँड डान्स आवडतो, ह्यांना थोडंसं आयटम नंबर आवडतो, ह्या लोकांना थोडंसं इमोशनल आवडतं. हा सिनेमाने सगळ्या बाउंड्रीज सोडल्या, म्हणजे राईट फ्रॉम माय लोएस्ट कॉमन, जो माणूस कमर्शियल सिनेमा बघणारा पण माणूस नटसम्राटमध्ये येऊन रडतो आहे. आणि एक उच्चाभ्रू, म्हणजे आज एक जज पण मला फोन करून सांगतो की मी रडलो, आज एक न्यूरोसर्जनने मला फोन केला. देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरंट वॉक्स ऑफ लाईफ वर कमिंग फॉरवर्ड अँड सेइंग इट्स अ फिनॉमिनल फिल्म. आणि त्या ते जे त्या बाउंड्रीज सोडल्याचा मला आनंद फार आहे, कारण काय होतं, देर इज ऑलवेज होप, देर इज समवन अनदर मेकर हुल गेट मोर कॉन्फिडन्स टू डू अ फिल्म विथ त्याला आवडेल. माझं तर म्हणणं कायम असतं की मी पहिला एक सिनेमा करायचा आणि तो पहिला मला आवडला पाहिजे. मी जेव्हा म्हणतो ना मी लोकांसाठी पिक्चर बनवतो, तर मला काहीच नसतं, मी लोकांना ओळखत नाही. लोक हे हुशारच असतात, आपण त्यांची हुशारी आपल्याला माहिती असं करू नये कधीच चुकून. तो माणूस तो प्रेक्षक आहे ना माझा, तो कायम हुशारच असतो, चांगलं द्या तो बघेल. त्यामुळे पहिला सिनेमा असा करा जो तुम्हाला स्वतःला आवडेल, मग तो ऑडियन्सला आवडेल. प्रत्येक थिएटरमध्ये त्याचं स्टँडिंग ओव्हेशन, म्हणजे प्रत्येक थिएटरमध्ये. बरं कसं असतं की नॉर्मली सिनेमा संपला की लोक उठतात. हा एकच सिनेमा मी बघितला की शेवटची फ्रेम जाईपर्यंत लोक आपल्या खुर्चीवर उठत नाही, ती गेली की स्टँडिंग ओव्हेशन देतात. देर इज आणि प्रॉपर स्टँडिंग ओव्हेशन असतं 1.5 मिनिटात आणि देन पीपल गेट आउट, विच इज माझ्या आत्तापर्यंत बघण्यात आलेलं नव्हतं. इट्स अ ट्रॅजेडी ऑफ अन ॲक्टर, तो इसका सिक्वल होना बहुत मुश्किल है. सर अब ये मान सकते हैं कि आप पूरी तरीके से मराठी फिल्मों में जुड़ चुके हैं और आगे भी इन नहीं, क्यों मैं सिनेमा से जुड़ चुका हूँ. प्रॉब्लम क्या है ना, देर इज नो सच थिंग एज मराठी सिनेमा एंड हिंदी सिनेमा. हम लोगों ने डिवीजन किया है. आज एक माजिद माजिदी ईरानी सिनेमा करता, बट इज एज ग्रेट एज एनी अदर फिल्म मेकर, ही इज एज गुड एज एनी अदर हॉलीवुड का फिल्म मेकर. सो देर इज देर शुड बी नो लैंग्वेज. मुझे जो कहना चाहता हूँ मैं कि एनी लैंग्वेज. तो भाई आज एक मैंने कहा, एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मेरे को बोला तुम आओ मत हिंदी में. बोले क्यों, तुम जो चाहते हो फिल्म बना सकते हो मराठी में. ऐसे नहीं, ऐसे डल वेट, आई वॉन्ट टू मेक जो फिल्म मैं चाहता हूँ हिंदी में भी, ताकि मेरी रीच बड़ी हो. मराठी फिल्म में तो छोड़नी नहीं है, वो तो थ्रू आउट रहेगी. बहुत एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, वो ये कि आज एक डॉक्टर है, उसका एक अपने 6 साल के बेटे को लेके गया था. तो आते जैसे पिक्चर ख़त्म होकर घर पे आया, तो उसने बोला कि मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को घर में बुला लो. सी वो जो है ना कि उनको जो हम क्या होता है, व्हाट अ सीनियर सिटीजन आस्क फ्रॉम यू इज अ लिटिल पेशेंस. जो हम हमारे पास वक्त नहीं है उनको देने के लिए. हमारे पेरेंट्स जब बड़े होते, जाहिर है ना एवरीथिंग विद एजेस. एक पेड़ जब ओल्ड होता है तभी पत्ते झड़ने लगते, फ्रूट्स देना बंद कर देता है. वी नेवर रिलेट दैट विद आर पेरेंट्स. पेरेंट्स को ना वो भी थक जाते हैं ना, तो व्हाट दे नीड इज अ लिटिल मोर ऑफ पेशेंस. तो हम लोग कभी नहीं देते, वी ट्रीट देम ऑन पार विद अस, कि हमारे लेवल का उनका आईक्यू है, हमारे लेवल का उनका अभी टाइमिंग है नहीं है. सो वो एक ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, वो एक अच्छा मैसेज जाता है. नहीं नहीं मेरे मैं वही हूँ. मैंने क्या होता है कि वास्तव मेरे को ऐसा एक ब्रांड लगाया था कि अंडरवर्ल्ड की फिल्में करता है, लेकिन मुझे वास्तव और हथियार के सिवा और कोई फिल्में, हमने 25 फिल्में बनाई है. बट एक चिपक जाता है, मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है अस्तित्व, उसमें एक वायलेंस एक थप्पड़ भी नहीं था. मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है विरुद्ध, उसमें थप्पड़ भी नहीं था. तो इट डिपेंड, बट नाउ डेफिनेटली एंड आई हैव ट्राइड ऑलवेज ट्राई टू मेक डिफरेंट फिल्म. आई हैव सक्सीडेड, आई हैव फेल्ड, बट आई एटलीस्ट हैव द सेटिस्फैक्शन कि आई ट्राइड. सर आपका और संजू बाबा का डेडली कॉम्बिनेशन
क्या पता, देखो आने के बाद अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट रहेगा तो डेफिनेटली कुछ करेंगे।